हो चुका है चालू। हाय एवरीवन, बहुत सारे लोग। हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से तीसरी बार अमूल के पेज पर लाइव आई हूँ और ये लता कपूर जी ने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया है और अभिषेक सर को भी थैंक यू करना चाहती हूँ, ईशान सर को भी थैंक यू करना चाहती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ अमूल का ही प्रोडक्ट यूज करते हुए पनीर नवाबी, बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ट्राई करिएगा। स्टार्ट करूँ? ठीक है, बनाते बनाते इंग्रेडिएंट्स आपको बताते जाऊंगी क्या क्या इस्तेमाल चाहिए। नेहा अरोड़ा जी, हेलो मैम। हाय नेहा जी। सलमान अहमद अंतारी लिख रहे, हाउ आर यू? फाइन। बस देखते जाइए कैसे कैसे बन रहा है, बहुत अच्छी रेसिपी है। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून तेल डाला, ठीक है। अभी ये मैंने 2 टमाटर और 10 बड़ा काजू का काजू लेके उसको मैंने पीस लिया, ठीक है। तो वो तेल डाल दिए, तेल डालने के बाद ये डालना है। महेंद्र सिंह लिख रहे, हाय मैम। हेलो महेंद्र जी। टाइम अपने पास एक्चुअली कम होता है, लिमिट टाइम में ही करना होता है, इसलिए मुझे फटाफट करना पड़ रहा है। 2 टमाटर और 10-12 काजू लेकर के मैंने पेस्ट बना लिया अच्छी तरह से, और वो इस कुकर और इधर ये पैन गरम हो गया है। अब इस पैन में भी थोड़ा सा तेल डाली हूँ। तेल डालने के बाद ये पनीर, ऑनियन, कैप्सिकम। भावना वासन लिख रही है, हेलो अल्पना जी। हाय भावना, कैसे है भावना? दीपा त्रिपाठी लिख रही, आप क्या बना रही है? ये पनीर नवाबी बन रहा है, ज्यादा नहीं पकाना है इसको, सॉफ्ट करना। और इसको भी पनीर, सॉरी, टमाटर और ये काजू का कच्चापन निकल जाए उतना पकाना है इसको। 5-7 मिनट में इसके कच्चापन निकल जाएगा। और इसके साथ
साथ मैं आपको नान बना करके दिखाऊंगी। आज का बना रहे हमारे आज बना पनीर अब इसमें पनीर भी डाल देती हूँ। इसमें अब मैं थोड़ी कसूरी मेथी और ये हल्दी थोड़ी सी और ये गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है, पंजाबी गरम मसाला, थोड़ा सा ये गरम मसाला और ये धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक। बस थोड़ा सा ही इसको करना है, ज्यादा नहीं पकाना है, ज्यादा कुक नहीं करना है। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ठंडा हो जाए बाउल, ठीक है, इसको बॉल में ट्रांसफर कर दिया। अभी आगे क्या करना है, मेरे घर में ये रेसिपी सबको बहुत पसंद है, मेरे बच्चे लोगों को तो बहुत पसंद है, आप भी बनाइए, आप लोग को भी पसंद आएंगे। थोड़ा नीचे चिपक गया इसलिए हल्का सा पानी डाल देती हूँ। तब तक पकाना है जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाए। ये टमाटर कच्चा रहेगा ना तो खाने में फिर सारे सब्जी का टेस्ट है ना तो खराब हो जाता है। ड्राई मसाला ग्रेवी में नहीं डाल सकते? हाँ डालना है ना, अभी मैं डालूंगी ना। ये तो सिर्फ टमाटर और ये काजू है। अभी देखिए कैसे कैसे होता है, थोड़ा अलग है और सब सब्जी से थोड़ा अलग है।
ममता वैस क्या ममता जी बोल रही है। हेलो अल्पना। हाय ममता। ये चाइना बाद में ओवन में जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया ओवन को। अब ये देखिए इसमें थोड़ा तेल छोड़ने लगा है। राजा राम बोल रहा है पनीर डिश लुक्स माउथ वॉटरिंग। सही है, सबका फेवरेट होता है। अभी तेल छोड़ दिया है, अब इसमें धीरे धीरे सारे मसाला डालती हूँ। ये धनिया जीरा पाउडर है, धनिया जीरा पाउडर गया, ये हल्दी थोड़ी सी, ये लाल मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अच्छा, इसमें और थोड़ी चीनी भी जाएगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी चीनी। और ये मैंने जब पीसा था मिक्सी में तो इसका पानी लास्ट में वो भी मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसे कुक करते हैं, मसाला कच्चापन दूर हो जाता है, तब तक इसको कुक कर लेते हैं। थैंक यू। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी डालती हूँ। सारे मसाले जब भुन जाते हैं, सबसे कहा जाते हैं सारे मसाले कच्चापन इसका दूर हो जाता है, तो फिर इसमें डालूंगी ये अमूल फ्रेश क्रीम। आप घर का मलाई भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी कलर भी अच्छे आ गए हैं और खुशबू भी आ रहा है, मसाला सिका गया है तो खुशबू भी आ रहा है। अभी क्या करना है, ये बाउल लेना है, अभी ये सीख लेना है।
और सीख लेने के बाद इसमें ऐसे पनीर को, ऑनियन को, कैप्सिकम बारी बारी से, इसको ऐसे खोसते जाना है। ये ग्रेवी भी अपना लगभग तैयार ही हो गया है। थोड़ा सा इसको ग्रेवी को कर देते हैं। इसमें आप कलरफुल कैप्सिकम ले सकते हैं। मेरे पास ना येलो और ग्रीन था तो मैंने वही लिया। भावना वासन लिख रही है ऑसम। थैंक यू भावना। ये भी हो गया है। थोड़ा सा पानी इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा पानी डालना है। बाकी ग्रेवी तैयार है। रेखा अरोड़ा अरोड़ा लिख रही है यम्मी। सचमुच में यम्मी है। आप बनाओ घर में। प्रियंका आंटी लिख रही है आज तो फास्ट पे, कल ट्राई करूंगी। पक्का पक्का, आज मेरा भी फास्ट है। आज मैं भी नहीं खा सकती हूँ, बस मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे हस्बैंड खाएंगे। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, शोभा पांडे लिख रही है बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये भी हो गया है तैयार। अभी क्या करने का है, मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। पायल दास लिख रही है आई लव पनीर, दिस प्रिपरेशन इज जस्ट वाओ। थैंक यू। अभी इसमें क्या करना है कि पहले ये ग्रेवी जो बनाया हमने वो ग्रेवी इसमें पोर कर देना सारे। चेतना कंसाग्रा लिख रही है रेसिपी रिपीट करिए। ओके मैं करती हूँ, ओके जस्ट अ मिनट। प्रज्ञा लिख रहे हैं आप वडोदरा के होना अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। आप कहाँ से हो? वडोदरा। इसको मैंने ऐसे फैला दिया। ठीक है, अभी क्या करना है, ये जो सीख बनाए हैं ये सारे इसमें रखना है। अरुंधति भट्टाचार्य लिख रही है नाइस, थैंक यू। अभी इसमें क्या करना है, ये हाफ कप मैंने अमूल फ्रेश क्रीम लिया, ठीक है, और हाफ कप कर्ड लिया, अमूल का कर्ड, और ये दोनों लेकर के
मैं मिक्स कर देती हूँ और इसमें ये चॉप किया हुआ लहसुन, चॉप किया हुआ लहसुन जाएगा। प्रज्ञा लिख रहे हैं अभी वडोदरा से हो लेकिन नागपुर में जॉब है। थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा नमक, इसीलिए कहीं लग रहा है ऐसे ही खा लू। इसमें हाफ कप दही, हाफ कप अमूल फ्रेश क्रीम और चॉप किया हुआ लहसुन, नमक और लाल मिर्च, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और डाल करके इसको पोर करना है इसके ऊपर। निर्मला शर्मा लिख रही है सुपर सुपर, थैंक यू। आप बनाइए फिर बतलाइए कैसा बना है, बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको पूरे के ऊपर पोर करना है। प्रिया द्विवेदी लिख रही है ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, थैंक यू। ये तो पूर हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है इसमें, ये चीज है अमूल का चीज, अमूल का चीज है, ये ऊपर से कद्दूकस करना है, ग्रेट करके अच्छी तरह से। अब बताइए बच्चे लोग का फेवरेट होगा कि नहीं। अदिति जी लिख रही है लवली आइडिया। अच्छे से इसमें चीज को, ज्योति आंटी लिखी वेरी यम्मी, सचमुच में यम्मी है। अब इसको प्री हीटेड ओवन में, ये प्री हीटेड ओवन में 10 मिनट प्री हीट किया हुआ 180 डिग्री पर, इसको जब तक ये चीज मेल्ट नहीं होता तब तक इसको डाल देती हूँ। तब तक मैं आपको नान बनाना सिखाती हूँ। कल्पना शाह लिख रही है डिलीशियस, सचमुच में डिलीशियस है अमूल, है ही डिलीशियस। वो ऐसे भी खाइए अमूल या कुछ बना के भी खाइए, सारे चीजें और डिलीशियस ही है। और अमूल का कितना इसमें प्रोडक्ट यूज हुआ है। भावना वासन लिख रही है मेरा तो फेवरेट हो गया अब से पक्का। अभी मैं नान का आटा गूंद के पहले से रखी थी, ठीक है, जिसका मैं नान बनाना सिखाती हूँ। तब तक वो मेल्ट होता है। प्रिया द्विवेदी देखिए बच्चे लोग का क्यों, हम बड़े लोग का भी फेवरेट है। हाँ वो बात तो है, थोड़ा सा
प्रतीक्षा पूछ रही है, क्या है स्टेशन नाम? ये तो अभी नान बना रही हूँ, लेकिन पहले इसका नाम अच्छा ये पनीर नवाबी है। रिंकू सिन्हा बोल रही है, पूछ रही है माइक्रोवेव टाइम कितना? जब तक वो चीज मेल्ट नहीं हो जाए तब तक उसको, क्योंकि सारी चीज तो पकी हुई है ना। ज्योति आंटी लिखी माउंट वाटरिंग रेसिपी। इसमें हमने एक कप मैदा लिया है, 150 ग्राम मैदा है, और नमक डाले हैं, थोड़ा चीनी डाले हैं, दूध से आटा गूंधे, और एक मिनट 1 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, और दूध से ही आटा गूंधा है मैंने। नितेश ठाकुर लिख रहे नाइस रेसिपी। एक्चुअली मेरे यहाँ मेरे बच्चे को कुछ भी चिपका हुआ नहीं चाहिए, या इसमें ना इनको कसूरी मेथी चाहिए, ना धनिया पत्ता चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इन लोगों को, मैं प्लेन ही बनाती हूँ। चल कंडेलवाल लिख रही है, आप रेसिपी रिपीट करिए घर पर। किस चीज का, किसका रेसिपी रिपीट करूं? इसमें मैंने पनीर नवाबी में मैंने 2 टमाटर लिया, ठीक है, और उसमें 10-12 काजू लिए, और उसको पीस लिए मिक्सी में, और पीसने के बाद 4 टेबल स्पून तेल डाल करके उसको अच्छे से पका लिए, टमाटर और काजू का कच्चापन सब दूर कर दिए, 5 मिनट लगे पकाने में, और उसके बाद फिर उसमें धनिया, नमक, हल्दी और गरम मसाला ये डाला मैंने, उसको भी पका लिया, पकाने के बाद अमूल फ्रेश क्रीम वो डाल दिए, वो ग्रेवी तैयार हो गया। अभी ग्रेवी तैयार होने के बाद उसमें कैप्सिकम ऑनियन देन पनीर तीनों को सौते कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा बटर या तेल डाल करके सौते करना है, ज्यादा नहीं पकाना है, ज्यादा कुक नहीं करना है उनको, और फिर असेंबल करना है। असेंबल करने के बाद ऊपर से 1/2 कप फ्रेश क्रीम, 1/2 कप दही लेकर के पोर कर दिए, पोर करने के बाद सीख से पहले असेंबल किए सबको, और पोर करने के बाद ऊपर से अमूल का जो चीज आता है प्रोसेस चीज, तो वो मैंने डाल दिया, और उसको जब तक चीज है मेल्ट नहीं होता तब तक उसको 180 डिग्री पर प्रीहीटेड ओवन में। आटा का मटेरियल बताइए। हाँ, मैदा लिया मैंने 150 ग्राम, उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ा सा शुगर, और
दूध से आटा को गूंद लिया बस। भावुक अग्रवाल लिख रहे हाय मैम। हेलो, इसमें बटर लगा देती हूँ। एक्चुअली बटर फ्रीज में था, मैं निकालना भूल गई थी तो सॉफ्ट नहीं हुआ। भावना वासन लिख रही है ब्यूटीफुल, थैंक यू। नाना जी लिख रहे वेरी वेरी गुड, थैंक यू। चलिए बाद में बनाऊंगी, आपका ये भी कंप्लीट हो गया है, ये भी मेल्ट हो गया है, इसका मतलब ये रेडी है। गरम मिल्क से आटा बनाया है? नहीं नहीं, नॉर्मल। रेसिपी सेंड कर दीजिएगा। ये पनीर नवाबी बन करके तैयार हो गया है। प्रज्ञा शफीकर लिख रहा है नान लुक सुपर लव डेट। अभी मैं प्रेजेंटेशन करती हूँ। चंचल खंडेलवाल बोल रहे पनीर का रेसिपी का बोल दीजिए। ओके, मैं बता देती हूँ। रेखा अरोरा बोल रही है नान बहुत बढ़िया लग रहा है, सो यम्मी। नहीं, आप भी बनाइए, अच्छा बनता है नान, सॉफ्ट एकदम बनता है मार्केट के जैसा। नीतू चंडल बोल रही वाव। इसके बाद ये सिक्के वाले प्याज की बिना अधूरा है, ये तो चाहिए ही। रिंकू सिंह पूछ रही है नान के डो को कितना टाइम रेस्ट देना है? दो घंटा। इस बन गया।
ये पनीर नवाबी, नान और सिरका वाली प्याज। अब पनीर और कैप्सिकम के सौते में क्या क्या? पनीर और कैप्सिकम का सौते में थोड़ा गरम मसाला है, नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है और कसूरी मेथी है। रेसिपी रिपीट करिए एक बार सारा। okay. प्याज में क्या डालना है पता है? प्याज में हमने ये बीटरूट था, बीटरूट, पानी, प्याज को पहले छोटे छोटे प्याज को पहले छील लिए हैं और छीलने के बाद इसको विनेगर और पानी में उसको डाल दिए और बीटरूट भी डाल दिए तो उससे कलर आ गया अच्छे से, और नमक नहीं डाला इसमें मैंने बस। अब रेसिपी पूरा रिपीट कर। हाँ, रेसिपी रिपीट करते हैं। पहले प्याज रेसिपी रिपीट करिए ना। छोटे वाले प्याज लिए हैं और छोटे वाले प्याज को छील करके थोड़ा सा उसको चार फाक में ऐसे काट दिए हैं ऐसे, ठीक है। और उसके बाद वो काटने के बाद उसमें पानी, एक कप पानी और 1/4 कप सिरका, व्हाइट सिरका वो डाला, और विनेगर, मैं विनेगर का दिखा देती हूँ। ये वाला विनेगर मैंने डाला, व्हाइट विनेगर, ठीक है। और रेड करने के लिए ये बीटरूट डाल दिया बस, दैट्स इट। और ये सब्जी के लिए मैंने फिर से एक बार बतला देती हूँ, दो टमाटर लिए हूँ, उसमें 10-12 काजू और मिला करके पीस लिए हैं। पीसने के बाद उसको तेल में उसको अच्छे से कच्चेपन दूर कर दिए, उसको सेक सेक करके कच्चेपन दूर कर दिए हैं। और उसमें मसाला में डाले हैं धनिया जीरा का पाउडर, गरम मसाला, नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा चीनी डाल करके उसको अच्छे से ग्रेवी तैयार कर लिए हैं। उसके बाद पनीर, कैप्सिकम और सेकंड स्टेप पनीर है, कैप्सिकम है और ऑनियन है, और उसको मैंने सौते कर लिया और उसमें डाला मैंने कसूरी मेथी, मिर्ची, मिर्च पाउडर है, नमक है और गरम मसाला है। ये डाल करके कच्चा पक्का ही बनाना है, ज्यादा उसको नहीं पकाना है, ठीक है। और उसको सीक में ऐसा सीक आता है, बैम्बो, बैम्बो स्टिक आता है ऐसा, तो उसमें ऐसे कर दिए, खोस दिए ऐसा, ऐसा कर दिए, ठीक है। अभी असेंबल जब करना है तो उसमें पहले ग्रेवी जो बनाए हैं, ग्रेवी पहले रखे हैं बाउल में, उसके बाद ये असेंबल क्या, ये जो है पनीर वाला सीक वाला वो डाल दिए हैं। उसके ऊपर ना 1/2 कप मलाई, 1/2 कप दही, दोनों को फेंट लिए हैं। फेंटने के बाद उसमें चॉप किया हुआ लहसुन, लाल मिर्च और नमक डाल करके उसको ऊपर से पोर कर दिए हैं। पोर करने के बाद चीज को कद्दूकस करके ऊपर से 10 मिनट प्री हीट ओवन में 180 डिग्री पर, और उसको जब तक चीज मेल्ट नहीं हो जाए तब तक उसको मतलब 8-10 मिनट ऐसे लग जाएंगे, उतनी देर बेक करना है इसको बस। पनीर नवाबी तैयार है। बिल्किस हुसैन बोल रही है कि वो बीच का पार्ट मिस कर दी थी, कहाँ से देख पाएगी? आप अमूल के पेज पर जाइए, ये उसी पर रहेगा, आपको वहां मिल जाएगा। और मेरा 1 बाइट कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस भी चलता है बड़ौदा में, तो अगर बड़ौदा में है तो आप आकर के क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। इससे लिख रही है वेरी वेरी यम्मी, थैंक यू फॉर शेयरिंग रेसिपी। वेलकम, थैंक यू, बाय। फोटो किसने, फोटो किसने?